एंड फ्लेवर्स में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे सूजी उत्पम या सूजी के चीले। ये चीले बनाने में बहुत आसान होते हैं। इसमें काफी सारी सब्जियां डलती हैं और ये बहुत ही कलरफुल दिखते हैं। तो आइए देखते हैं कि इनको बनाने के लिए हमें क्या क्या सामान चाहिए होगा। रवा उत्पम बनाने के लिए हमें चाहिए होगा 1 कप सूजी। ये वही सूजी है जो कि हम हलवा या उपमा बनाने में यूज़ करते हैं। इसके साथ ही हमें चाहिए होगा 1/4 कप कटा हुआ गाजर। आप चाहें तो गाजर ग्रेट करके भी डाल सकते हैं। हम इसमें यूज़ करेंगे 1/4 कप महीन कटा टमाटर, 1/4 कप महीन कटी शिमला मिर्ची। आप किसी भी कलर की शिमला मिर्च यूज़ कर सकते हैं। हम लेंगे 1/4 कप महीन कटा प्याज, 2 टेबलस्पून हरी मटर के दाने। ये मैं फ्रोज़न मटर के दाने यूज़ कर रही हूँ, इसलिए मैंने इनको उबाला नहीं है। अगर आप फ्रेश मटर लें तो उसको उबाल लें फिर इसको यूज़ करें। ये है 1/4 कप फ्रेश दही, 1 टीस्पून सरसों या राई के दाने, 1 गोल कटी हुई हरी मिर्ची। अगर आपको मिर्च पसंद नहीं है तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं। अगर आपको मिर्च पसंद नहीं है या फिर अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप मिर्च छोड़ सकते हैं। हम यूज़ करेंगे थोड़ा सा नमक, पानी और तेल। तो आइए सबसे पहले हम सूजी उत्पम बनाने के लिए बैटर बनाएंगे। के लिए हम ये सूजी लेंगे और इसमें ये 1/4 का और इसमें ये दही मिला देंगे, थोड़ा सा नमक डालेंगे और थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसको इस तरह से घोल बनाएंगे। पानी आप थोड़ा थोड़ा कर ज़रूरत के हिसाब से डालें और स्मूथ बैटर बनाएं। आप इसको इस तरह से लगातार चलाते रहें जिससे कि इसमें लम्स ना पड़े। यह उत्पम मेरे बच्चों को भी बहुत पसंद है तो मैं अक्सर इसको नाश्ते में बनाती हूँ। इसके लिए मैं एक दिन पहले इसके लिए मैं रात को ये बैटर बना के रख देती हूँ और सुबह सुबह अब हम इसको ढक कर करीब 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे जिससे कि सूजी अच्छे से फूल जाएगी। यहाँ पर हम इस रेसिपी में इनो फ्रूट सॉल्ट का भी यूज़ करेंगे जिसको कि मैं बताना भूल गई थी। हम इसको बाद में बैटर में मिलाएंगे। और आइए अब देख आइए हम अपना बैटर चेक कर लेते हैं। इसको हम फिर से मिक्स कर देंगे और आप देख सकते हैं कि सूजी कितने अच्छे से फूल गई है। अब हम इसमें सब्जियां डालेंगे, हम इसमें गाजर डालेंगे और हम थोड़ा सा गाजर बचा लेंगे जिसको कि बाद में हम सजाने में यूज़ करेंगे। इसके साथ ही हम डालेंगे इसमें प्याज और हम थोड़ा सा प्याज भी बचाएंगे और हम इसी तरह से इसमें डालेंगे टमाटर, हम इसमें डालेंगे महीन कटा टमाटर, उबले हुए मटर, मटर के दाने, शिमला मिर्ची, राई या सरसों के दाने, 1 से 2 टीस्पून तेल के और 1 से 2 टीस्पून तेल। और अब हम इन सभी को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप मेरे चैनल पर और भी सूजी की रेसिपीज़ जैसे कि सूजी टोस्ट, सूजी वड़ा, सूजी कचौरी और सूजी कटलेट भी देख सकते हैं। ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। ये सभी देखिए, अब सब्जियां अच्छे से बैटर में मिक्स हो गई हैं। अब हम इसमें ये इनो फ्रूट सॉल्ट डालेंगे। हम यहाँ पर करीब 3/4 टीस्पून इनो फ्रूट सॉल्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब हम इसको तेज़ी से और अच्छे से मिलाएंगे जिससे कि फ्रूट सॉल्ट अच्छे से वेजिटेबल्स और सूजी के साथ मिक्स हो जाएगा। देखिए, हमें बैटर की कंसिस्टेंसी कुछ ऐसी रखनी है, ये ना तो बहुत ही पतला होना चाहिए और ना ही बहुत गाढ़ा। तो ये बैटर अब तैयार है, आइए अब हम इसके उत्पम सेकते हैं। इसके लिए मैंने पैन को पहले से ही धीमी आँच पर गर्म किया है और अब मैं इसको टिश्यू पेपर से और अब मैं इसको मॉइस्ट टिश्यू पेपर से साफ़ कर दूँगी। यहाँ पर अब मैं एक चमचे के कर अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा बैटर डालूंगी और बहुत धीरे हाथों से गोल घुमाते हुए इस बैटर को पैन पे इस तरह से फैला लेंगे। आप उत्पम को हल्का सा मोटा ही डाल देंगे। थोड़े टमाटर और मटर डालेंगे और साथ में प्याज भी डालेंगे। और अब हम ये गोल कटी हुई हरी मिर्च इस तरह उत्पम पर रखेंगे और उंगली से हल्के से दबा देंगे। इस तरह से ऊपर से सब्जियां डालने से उत्पम काफ़ी सुंदर लगता है देखने में। और अब हम उत्पम को 1 से 2 मिनट के लिए ढककर रख देंगे। अब करीब 2 मिनट हो गए हैं, हम लिड हटा देंगे और इसके ऊपर हम चारों तरफ से अच्छे से तेल डाल देंगे
जिससे कि उत्पम काफ़ी क्रिस्प और टेस्टी हो जाएगा। हम आँच को हल्का सा बढ़ा देंगे और मीडियम फ्लेम पे लगा देंगे और उत्पम को नीचे से गोल्डन ब्राउन और क्रिस्प होने तक। तो जब तक उत्पम सिक रहा है, मैं आपको कुछ टिप्स दे दूँ जिससे कि उत्पम बहुत ही टेस्टी और परफेक्ट बनेगा। यहाँ पर आप हलवा या फिर उपमा बनाने वाली सूजी का ही इस्तेमाल करिएगा। आप अपनी चॉइस की कोई भी वेजिटेबल्स उत्पम में डाल सकते हैं। उत्पम को हमेशा धीमी आँच पर ही फैलाएं, नहीं तो वह पैन पर चिपक जाएगा और ठीक से फैलेगा नहीं। आप इसको धीमी आँच पर थोड़ी देर तक पकने दें जिससे कि अंदर तक अच्छे से पक सके और कच्चा ना रह जाए। तो अगर आप ये कुछ टिप्स फॉलो करेंगे तो आपका उत्पम बहुत ही परफेक्ट और टेस्टी बनेगा। इसे अच्छे से पक गया है, ये नीचे से अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गया है। मैं इसको हल्का सा स्पैटुला से दबा दूंगी जिससे सब्जियां उत्पम पर अच्छे से चिपक जब हम इसको पलट देंगे। और अब हम इसको दूसरी साइड से भी गोल्डन ब्राउन और क्रिस्प होने तक सेक लेंगे। यह उत्पम आप टोमेटो केचप, नारियल की चटनी या हरी धनिया की चटनी किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। ये खाने में बहुत ही मज़ेदार लगता है। अब उत्पम को नीचे से भी सिकते हुए थोड़ा टाइम हो गया है, हम इसको फिर से पलटेंगे। ये देखिए कितना बढ़िया लग रहा है, सब्जियां थोड़ी क्रिस्प हो गई हैं, ये कितना कलरफुल दिख रहा है। हम इसको एक बार फिर से हल्का सा नीचे से और सेक लेंगे। अब उत्पम पूरी तरह सिक कर तैयार है, हम इसको आँच से हटा लेंगे। आप इनको बच्चों के टिफ़िन बॉक्स में भी डाल सकते हैं। ये खाने में बहुत टेस्टी बनता है, ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। आज मैंने यहाँ पर बड़े साइज़ का उत्पम बनाया है, पर अगर आप चाहें तो छोटे छोटे साइज़ के उत्पम बना सकते हैं, वो देखने में काफ़ी सुंदर लगते हैं। तो आप ये रवा उत्पम ज़रूर ट्राई करिएगा और हमें बताइएगा कि ये कैसा बना है। अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगली बार आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।